जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। अभी हम लोग हैं इंदौर शहर में। यार बहुत साफ सुथरा प्यारा सा शहर है इंदौर, और अब निकल रहे हैं सराफा एक्सप्लोर करने के लिए। देखो भाई, खाने पीने की चीज़ें मिस नहीं करनी चाहिए, और गर्मियों के टाइम पे और ठंडियों के टाइम पे दोनों सीज़न में बेस्ट स्ट्रीट फूड आपको अगर खाना है वेज, तो इंदौर सराफा ज़रूर एक्सपीरियंस करना। भाई रुका हुआ मैं साउथ ठुकोगंज में, ये रहा अपना होटल लॉर्ड्स इन, यहाँ पे अभी निकल रहे हैं ऑटो से। पलार भाई रेडी टू एक्सप्लोर? रेडी टू एक्सप्लोर। चलिए, सोना असली सोना भाई साहब, असली असली पहन रहे हैं और असली खिला रहे हैं। देखिए लग रही है आपकी 24 कैरेट गोल्ड की कुल्फी। और यहाँ पे जो उनसे बड़ा डाला है ना, एकदम सॉफ्ट है, पूरा क्रश करके यहाँ पे डालोगे। राजवाड़ा देख लो आप लोग इंदौर का, क्या खूबसूरत लग रहा है। और यहीं से 56 की शुरुआत होती है, ये चौराहा है, यहाँ से आपको एंट्री लेनी है। ICICI बैंक का हिस्सा देख लो, यहाँ से आपको एंट्री लेनी है और फिर चीज़ें शुरू हो जाती हैं। चलिए चलते हैं अंदर। अरे रजवाड़े वाली गली चमक रही है। एक टाइम पे पूरा बहुत ख़राब हालत में था, अभी 2-3 साल पहले ही ठीक हुआ है। अच्छा देखो, सराफा की शुरुआत वैसे होती यहाँ से, पर उससे पहले ही आपको रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रबड़ी के छोटे छोटे ठेले मिल जाएंगे, पानी पूरी, पान वगैरह सबकी वैरायटी यहाँ शुरुआत ही हो जाएगी। ये रिक्शे वगैरह ऑटो वगैरह यहाँ बैन कर देने चाहिए यार इस एरिया में, इस गली में तो बैन है। खैर ये मेन गली है। मतलब मिठाई से शुरू करते हैं, फिर कुछ तीखा खाते हैं। तो भाई शुभ काम की शुरुआत मीठे से करते हैं, और यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा कलाकंद भी लिया टेस्ट करने के लिए। क्या कलाकंद बनाया मल्लार भाई, तो गुलाब जामुन ताजे आत्मा कर देंगे, टेस्ट समझ में आ रहे ताजे बने। और खोया की मात्रा अच्छी आती है, ऐसा नहीं मैदा मिक्स। शुरुआत ही ज़बरदस्त हुई है, तो दुकान आपने देखी ली है, आना तो ट्राई ज़रूर करना, मीठा ज़बरदस्त मिलेगा। अभी इसके बाद मल्लार भाई को ये टेस्ट करवाते हैं, फिर लाइन से गली में जो स्पाइसी चीज़ें मिलेंगे, फिर मीठा मिलेगा, सब कुछ एक्सप्लोर करवाएंगे और आपको एक से एक बेहतरीन चीज़ें दिखाएंगे। ऐसा बोलते हैं कि वेज फूड की इतनी वैरायटी आज तक आपको आपको पूरे इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे नाइट्रोजन पान वगैरह है, और अच्छा मोमोज में भी देख लो, पूरा वैरायटी यहाँ पे मार्केट में सजा हुआ है। मैगी के काउंटर्स हैं, काला जामुन, जामुन शॉर्ट्स, देखते ना उससे पहले कुछ और मिला तो। रास्ता देखते जाओ, जो मिल जाए वही अपना है। शुरुआत जामुन शॉर्ट से हो गई फ्रेंड्स। हाँ नारियल क्रश भी यहाँ बहुत तगड़ा मिलता है भाई स्ट्रीट में। ये क्या बन रहा है, साउथ इंडियन? अच्छा कहते हैं दिन में ये ज्वेलरी की पूरी स्ट्रीट होती है, और रात में हाँ देखो मधुर ज्वेलर्स, प्रदीप ब्रदर्स ज्वेलर्स, और यहाँ पे एक ज्वेलरी की दुकान खुली भी हुई है अनिल ज्वेलर्स। सराफा पड़ा है, सराफा मतलब भाई ज्वेलर्स, सराफा मतलब ही ज्वेलरी का मार्केट है, और रात में ये कन्वर्ट हो जाता है भाई, ऐसा कुछ आलिशान सी जगह हो जाती है। फूड स्ट्रीट, कुल्लड़ पास्ता, डोसे का साइज होगा यहाँ पे। कौन कौन से शॉट ट्राई करना है? जामुन के तीन कर दो भैया, और कोई मैंगो वगैरह? नहीं नहीं जामुन बेस्ट। ओरिजिनल जामुन की वाइब से। हाँ चलो एक ट्राई करते हैं, जोशी का दही बड़ा फेमस तो बहुत होते हैं और आज उपलब्ध भी है, तो ट्राई जरूर करना चाहिए। इंटरनेट में आप लोगों ने जोशी जी के दही बड़ों की तारीफ सुनी होगी, वो भी है यहाँ पे, पर कभी आलू की ये टिकिया आप लोगों ने सुनी है? जैसे आलू बड़ा भी कहा जाता है, तो भाई इसे टेस्ट कर लेते हैं, हाथ से टेस्ट करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। स्वाद तो इसमें भी, लेकिन थोड़ी ठंडी हो गई,
मुझे लगता है मेन जादू ना इनकी चटनियों में। दही बड़ा शुरू करिए, स्पाइसी भी बढ़िया लग रहा है यार ये, वर्थ है हाइप। ऊपर जो मसाला है ना वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों चीजें मिला करके मैंने 95 रुपीस पे किया है। 75 का दही बड़ा है। 75 का है? 75। वाह, बट क्वांटिटी अच्छी है। क्वांटिटी अच्छी है और फ्रेश लग रहा है, दही ठंडा भी है मेरे पास। दही तो वहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी देर में आता जा रहा है एक बाल्टी में भर के, मसाले जादू कर रहे हैं। और यहाँ पे जो नीचे बड़ा डाला है एकदम सॉफ्ट है, पूरा क्रश करके यहाँ पे डाला हुआ है। तो बाकी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके हैं। ये सबसे ज़्यादा फेमस कोकोनट शेक वाला है बाबा कोकोनट क्रश, यूट्यूब पे भी बहुत वायरल हुआ है। बाकी गराडू काफ़ी फेमस होता है लेकिन ठंड में इसका मज़ा आता है। कटोरी चाट, बास्केट चाट भी है यहाँ पे। प्रकाश कुल्फी भी बहुत फेमस है और दोनों गोल्ड चेन वाले अंकल जी यहाँ पे हैं। देखो आज सबसे फेमस है भैया की गोल्ड वाली कुल्फी, वो जरूर हमें ट्राई करनी चाहिए। 24 कैरेट गोल्ड, ये लगाते हुए दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगाएंगे ना। चलो देखिए, लग रही है आपकी 24 कैरेट गोल्ड की कुल्फी। और ये भी बोलना पड़ेगा आपको, बोलिए जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जरूर, बैंगलोर से। बैंगलोर से सोने की कुल्फी खा ले भाई, सोना असली सोना भाई साहब, असली असली पहन रहे हैं और असली खिला रहे हैं। हमारा काम यही है, जैसा ग्राहक सुन के आता है कस्टमर ये बोलता है भैया मजा आ गया, जितना सोना था उससे ज्यादा अच्छा लगा, स्वादिष्ट बहुत है। हम यही चाहते हैं कि भैया क्वालिटी मिलना चाहिए कस्टमर को, जैसा सुन के आया उससे डबल अच्छा मिलना चाहिए। जय श्री महाकाल, आपने कहा वैसा ही हो। जय श्री महाकाल। दोनों तरफ आपको ये मिल जाएंगे चाप और तंदूरी आइटम्स, आप ऑर्डर कर सकते हो। ये अपने पोटैटो क्रिस्पर लग रहे हैं विद पेरी पेरी। और यहाँ पे अपने अनुराग भाई आज के हैं। अनुराग भाई वेलकम टू फूडी गैंग। ट्रेन जर्नी के बाद सीधा खाते हुए मिल रहे हैं। अभी लास्ट ट्रेन जर्नी कौन सी किए थे? लास्ट जर्नी थी मेरी वंदे भारत थी। कौन सी? खजुराहो वंदे भारत थी, खजुराहो टू हजरत निजामुद्दीन। कैसी थी? अच्छी ट्रेन, 160 भाई। चैनल का नाम बताओ तो अपने जल्दी। रेल ब्लॉक बाय अनुराग। रेल ब्लॉक बाय अनुराग पहुंच जाना और हम आपको खाना दिखाएंगे, भाई आपको ट्रेन जर्नी दिखाएंगे। 160 देखो, सुन के शौक हो गए मल्लार भाई। क्या ये क्या ऑर्डर किया? ये है पनीर टिक्का, इधर का स्पेशल। उसमें चीज़ ही चीज़ पड़ी हुई भाई, चीज़ है। मेरी गोल्ड आइसक्रीम नहीं खत्म हो रही अभी और इतनी सोने की फेंकने का मन नहीं कर रहा है इसको। नहीं, 400 रुपये की आइसक्रीम, 400 रुपये खर्चा हुआ है भाई इसमें। कैसा है? मीठे के बाद कुछ तीखा, फिर से कुछ मीठा। सराफा आए तो खाना रुकना। जब भी हम लोग आते हैं ना तो इसी दुकान में आते हैं चीज़ें ट्राई करने के लिए। पनीर का तारीफ मल्लार भाई ने कर ही दिया। बटर ही बटर डाला है भाई, बटर भी पूरा फ्राई करेंगे और चीज़ भी ऊपर। और ये पोटैटो क्रिस्पर, एक ही टेस्ट करूँगा, पसंद तो बहुत है लेकिन क्या करें, मोटे हो रहे हैं। जबरदस्त यार ये, सबसे बेस्ट हमको यही लगा ना। और हम लोग कहाँ ट्राई किया था, मज़ा नहीं आया। उदयपुर, रत्नागिरी, रत्नागिरी भी बिल्कुल वाइब नहीं है। स्वाद यहीं पे भाई, स्वाद यहीं पे पसंद है। उसके लिए जगह तो जन्नत है भाई। देखो मूंग हलवा यहाँ पे, रबड़ी, मालपुआ, नॉर्मल रसगुल्ले, रसमलाई, सब कुछ है। भाई एक ये निकालना अनुराधा, देखे जरा ये अच्छा लग रहा है देखने में, ये ट्राई करते हैं। मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे आपको कलाकंद तो बहुत अच्छा मिलता ही है। अनुराधा नाम की जो स्वीट है, फर्स्ट टाइम मैंने कुछ देखा है। अनुराधा ट्राई करते हैं, ये बंगाल के खीर कदम जैसा लग रहा है। कलाकंद है, वाइट कलर का दूध कलाकंद, बहुत मीठा है।
मीठा बहुत पसंद है तो ट्राई कर सकते हो। थोड़ा रोज वाला फ्लेवर इसमें डाला गया, ये परफेक्ट है। ये कलाकंद वैसा है, सॉरी, बंगाल में जो मिलता है, रसकदम, खीर कदम, रसकदम। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत अच्छा है। अब ये ट्राई करो। ये मेरा सबसे फेवरेट है। वो बहुत बढ़िया, ये उतना खास नहीं है पर वो बहुत बढ़िया। ये मस्त है, ये जरूर ट्राई करना। चलो इसे भी फिनिश करते हैं, आपको जिसके बाद तीखा खाने जाएंगे। जल्दी जल्दी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि भाई तीन चार लोग हैं अपन, तो चीज़ें जल्दी ख़त्म भी हो जा रही है, पर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस को रिव्यू करना है। भाइयों की इस दुकान के बाद ना आपको जलेबा देखने को मिलेगा। जलेबा मतलब ये जलेबी कबाब। अच्छा, छोले टिकिया भाई, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आगे पराठा वाली एक जगह है, वो आपको मैं एक बार रिकमेंड कर देता हूँ। एक अंकल आंटी बनाते हैं, बढ़िया पराठे बनाते हैं वहाँ पर। मोमोज घर की वैरायटी तो आप शुरू से ही देख रहे हो। जगह है जहाँ पे आलू पराठे आपको बहुत बढ़िया मिलते हैं, मतलब हम लोग लगभग 4 साल से दुकान को देख रहे हैं। यहाँ पर आलू पराठे यहाँ के सबसे तगड़े होते हैं। आज मलार भाई टेस्ट करेंगे। देखो इतना खाया अभी तक, इतना हेवी बढ़ गया। नहीं नहीं, एक पराठा चार लोग एक एक हाथ मारेंगे हो जाएगा। देखकर और ज्यादा मतलब क्रेविंग हो रहा। सामने एंड में पानी पूरी बनाते हैं भैया, अगर आज खुले हुए ना वो तुम्हें मजा आएगा। इसको बनते हुए देख के मेरा मन खत्म हो गया था खाने का, क्योंकि इतना बटर पड़ा, इतना बटर पड़ा, 5-6 चम्मच बटर पड़ा इसमें एक पराठे में। आलू पराठा इसका नाम बटर पराठा होना चाहिए। देख लो आप, मतलब करीब से देखो। चलो, इतना क्रंची हो गया ये कि इतनी टिकिया होती है क्रंची, जो आलू की टिक्की बनती है यूपी में। पर फिर भी बस टेस्ट कर लेते हैं। स्वाद अच्छा है, लेकिन घी और बटर का जो स्वाद आएगा ना, भर भर के आएगा। अगर आपको बटर, चीज़, घी ये सब पसंद है तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। संदीप भाई का मैसेज आया था। कैसा है? ऑयली है बट अच्छा। ऑयली है बट अच्छा, ऑयली है, क्रिस्पी है सर। पराठा एक्चुअल में क्रिस्पी है। क्रिस्पी पराठा, जंगल जलेबी कर दीजिए ले रहे हो। मेरी फेवरेट है ये, उसका कस्टर्ड एप्पल का है ना। मैं एक टेस्ट करूँ क्या ये? एक ये टेस्ट करने का बड़ा मन था यार। याद आ गई बचपन की, बॉइल्ड वाले बेर। पेमेंट, फ्रूट सलाद भी उपलब्ध है यहाँ पर। बैंगलोर से कोई दुश्मनी देखना तो ये देख लो, सभी चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हो। मैंने ये लिया है, मुझे ये ट्राई करना था, इंदौरी दिलवाला सबसे फेमस लोडेड कोकोनट। आई इसको इसको ट्राई करना था एंड करने से पहले, बहुत लोडेड है। इंदौर आ रहे हो, एंडिंग इससे करना, पेट पूरा यहाँ तक भर जाएगा, गला भर जाएगा। भाई दोनों दुकानों में बढ़िया मिल रहा है। पीछे कूदते हुए नारियल आपको मिल जाएंगे, इसमें स्ट्रॉबेरी चॉकलेट सबका फ्लेवर है। और बैंगलोर बैंगलोर चिल्लाते हुए बनाएंगे एकदम। कोकोनट की जान है, बहुत स्वादिष्ट है यार ये, ये मस्त है, ये मस्त है। यहाँ पे आ रहे हो तो ये सबसे तगड़ा है। क्यों मल्लार भाई? बहुत बढ़िया। अब इसे फिनिश करते हैं, इसके बाद हिम्मत तो नहीं है, फिर भी अगर मान लो कुछ खाते हैं तो आपको दिखाएंगे। जल्दी से निपटा के आगे बढ़ना है भाई, बहुत लोडेड है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि लास्ट टाइम मैंने बाजू वाले में ट्राई किया था, उनका ज़्यादा अच्छा था। ये था अच्छा, स्वाद अच्छा था, लेकिन ओवर हाइप था। जितना हमने उम्मीद की थी ना, उतना ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं था, तो वो मज़ा नहीं आया जो उम्मीद कर रहे थे। बट ठीक है, क्या बोले अभी। बाकी और भी ऑप्शन आपके पास, शिकंजी सोडा वगैरह भी आप ट्राई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कोकोनट ट्राई करो। मल्हार भाई का फेवरेट पान भी है यहाँ पे।
मोहब्बत का शरबत इंदौर में डालेंगे बढ़िया। हाँ रोज मिल के समझ लो अभी सब करना बस। रिलैक्सिंग है, ठंडक वाला है। मैंने जहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये दिल्ली का मोहब्बत का शरबत फेमस है, जामा मस्जिद का वहाँ पे भी पिया था। लो फ्रेश रहो, सब्जा वगैरह भी बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा है कोकोनट या ये वाला? चलो आज चार लोग आए ना तो पूरा फायदा उठा रहे हो उस चीज का, हर चीज खा रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, काम चल रहा है बस। ऐसा नहीं है दिल्ली जैसा, दिल्ली जैसा नहीं है। ओ भाई क्या यार, इंदौर में नहीं हो पा रहा है चीज वो आज खाने में। दिल्ली में जो मिलता है एकदम गाढ़ा होता है और उसमें वाटरमेलन के पीसेस होते हैं। अरे वो मोहब्बत का शरबत होता है, यहाँ भी मोहब्बत के शरबत लिखा है। देखो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई, आज मन मान नहीं रहा, आज चीज़ों का सिलसिला चलता रहेगा मलार भाई जब तक ये स्ट्रीट चलेगी। क्या क्या खाया है मतलब, क्या बताऊँ मैं, अंदर कॉकटेल बन गया पेट के। आज खाना चलता रहेगा जब तक हम लोग यहाँ से निकल नहीं जाते भाई। हॉट ब्राउनी विद चॉकलेट, नींद आ रही है खा खा के अब, लेकिन अब क्या करें, आज भाई का मन था सब ट्राई करना तो कर ही लेंगे। मज़ा नहीं आया, वनीला आइसक्रीम के साथ होती तो शायद ज़्यादा मज़ा आता। विथ चॉकलेट तो केवल ड्राई ड्राई सा लग रहा है, कोई खास फ्रेशनेस वाली फीलिंग नहीं है इसमें। चलो निपटाते हैं, आगे जो है वो दिखाते हैं आपको कि पूरा खाना पीना इन्जॉय करके आज के अपने रूम पे, और एक बिस्तर नीचे लगवाना पड़ा है यहाँ पे भाई, क्या बताएं। तीन लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो लड़के अब पास में रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। फ्रूट सलाद लेकर आए थे क्योंकि खाना उत्पादन जब भी खाओ जिस भी दिन खाओ, बाद में खूब सारा फ्रूट खा लो, अच्छा खासा फाइबर बॉडी में चला जाएगा, न्यूट्रिएंट चले जाएंगे, अगले दिन आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं वॉशरूम की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी बात कर रहा हूँ, बॉडी क्लीन हो जाएगी थोड़ी। और अगले दिन सुबह भी कोशिश करना कि ब्रेकफास्ट पे आप जूस या फ्रूट कुछ ऐसी चीज लो। कल सुबह देखते हैं क्या प्लान रहने वाला है, वो आपको दिखाते हैं। इंदौर से निकलेंगे, किस ट्रेन से निकलेंगे, या सुबह सुबह आपको 56 अगर अर्ली मॉर्निंग जा पाए तो यार तो टाइम रहेगा तो वहाँ ले जाएंगे, वरना ट्रेन के साथ अपनी विदाई होगी। इसे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी, बाय। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी लोगों को। अभी हम लोग आ चुके हैं सुबह सुबह 56 में खाने पीने की चीज़ें देखने के लिए भाई, क्या है सुबह सुबह का हाल। बस आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरी जो ट्रेन है वो अभी है 12 बजे, और मेरे पास ज़्यादा समय था नहीं, मैंने सोचा नहीं अभी चले जाते हैं 56, थोड़ा पोहा वगैरह तो मिल ही जाएगा, साबुदाना वड़ा वगैरह मिल जाएगा, विजय चाट हाउस में और भी क्या क्या दुकानें खुली है वो भी आपको दिखाना था सुबह सुबह। बस जल्दी से चीज़ें खाते पीते निकलते हैं क्योंकि अपने को ट्रेन भी पकड़नी है अभी। यहाँ देख लो पोहा क्या शानदार तरीके से बन रहा है, और साबुदाना वड़ा भी है यहाँ पे। तो यहाँ आप देख लो कचौड़ियाँ बन रही एकदम गर्म गर्म। छप्पन का मज़ा सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का भी है, एकदम साफ सुथरा, मेरे पास गंदगी थोड़ी भी नहीं है, साफ सुथरा एकदम। ये काफी साफ सुथरी जगह है, बाकी और भी चीजें हैं जो एक्सप्लोर करेंगे, जल्दी से देखते हैं क्या क्या। इंदौरी पोहे की जान यहाँ की ये सेव होती है, और साथ साथ इसमें पड़ने वाला है जिरावन मसाला, ये पड़ा यहाँ पे जिरावन मसाला देखो। बाकी एकदम स्टीम में पकते हैं एकदम धीमे धीमे आँच में, बहुत स्वादिष्ट होता है। विजय चाट हाउस का जो पोहा है ना देखने में ही कमाल का लग रहा है, स्वाद से तो मतलब उम्मीदें बढ़ गई हैं। साथ साथ यहाँ पे साबुदाना वड़ा भी अवेलेबल था, देखते हैं टेस्ट कैसा है। क्यों मलार भाई, कल भी खाया था हमने, आज दूसरे दिन लगातार आएगा। हाँ मतलब सेकंड डे रिपीट हो रहा है, समझ लो क्यों इतना ज़रूरी है ये भाई। साबुदाना वड़ा में महाराष्ट्र में आप देखोगे तो दही अलग से दिया जाता है, यहाँ पे चाट के जैसे उसमें डालते हैं, और मेन चीज़ चटनी यार, कट जाए यार, स्पून स्टील वाले अलाउ होने चाहिए यार, प्लास्टिक इसमें मज़ा नहीं आता लकड़ी वाले में। ये जो हरी चटनी इसमें पड़ी है ना, और साथ में इमली की चटनी, उसके फ्लेवर को एकदम बूस्ट कर रही है साबुदाना के। ये सब ब्रेकफास्ट आइटम जो आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए, और अपने होटल से तो ये वॉकिंग ही है, 400 मीटर है बस, TI मॉल के बगल में है, 56 वैसे भी जानी मानी जगह है। इंदौर आके बेस्ट पोहा ट्राई करना है, विजय चाट हाउस में आप सुबह सुबह आ जाना। मेन बात यह है ना, साफ सफाई भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी।
स्ट्रीट में पोहा अच्छा मिलता है मानता हूँ, पर साफ सफाई गारंटी नहीं है। यहाँ पे अच्छा भी मिल रहा है और साथ में साफ सफाई भी है। इसको फिनिश करते हैं, आपसे आने वाले जो अगले स्टॉल से उसमें मुलाकात करते हैं। खाने के बाद आपको प्लेट्स यहाँ पे ड्रॉप करनी है, हाथ वगैरह धोने के लिए यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है। देखो एकदम क्लीन फूड स्ट्रीट है, आपको यहाँ पे एकदम क्लीनर सामान मिलेगा। सुबह सुबह यहाँ पे सिगड़ी डोसा भी मिल रहा है कोयले पे बना वाला, और समोसे वगैरह तो उपलब्ध है ही। अच्छा, एक और रेस्टोरेंट रिकमेंड करना चाहूँगा आपको ब्रेकफास्ट आइटम के लिए, यहाँ पे समोसे पोहे यहाँ भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, यहाँ भी लग रहा है। और साथ में कोकोनट क्रश भी आप ट्राई कर ही सकते हो, ये तो होता ही ज़बरदस्त है। साथ में जॉनी हॉट डॉग काफ़ी फेमस है, लोग आते हैं यहाँ पे खाने, ये भी अच्छी चीज़ है, मतलब आप ट्राई कर सकते हो, आ रहे हो तो यहाँ पे कुछ नया आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया वाइब से सुबह सुबह गणेश जी की आरती चल रही है, और सुबह सुबह की वाइब्स ही अलग होती है यहाँ पे। देखो बढ़िया हवा भी चल रही है। रमेश साउथ इंडियन टेस्टी होता है, एक बार देखेंगे अगर भाई लोगों के पास टाइम होगा तो यहाँ लेके आएंगे। देखिए मैं एरिया के एक राउंड मार के आ रहा हूँ, तब तक मल्हार भाई धीरे से। हाँ भाई मल्हार, क्या चल रहा है? राउंड टू मस्त एकदम। अच्छा, वो वड़ा पाव भी, जॉनी हॉट डॉग वाला भी खुले हुए हैं तुम्हारे लिए, वो चाहिए क्या? एक और और रमेश साउथ इंडियन भी, ये कुछ जगह है जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। बाकी तो मतलब ठीक है, सब यहाँ पे दुकानें सबकी हैं, सबकी अपनी अपनी मेहनत है, कुछ जगह मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। ठीक है, खमन चाहे यहाँ पे फ्राई खमन भी थे, हरी चटनी, ओनली हरी चटनी डलवाया शायद भाई ने। अच्छा, नायलॉन जैसा सॉफ्ट नहीं है, नॉर्मल खमन है। दही और मीठी चटनी आपकी चॉइस से डलवा सकते हो, ठीक है, नॉट सो बैड नॉट सो गुड। मेन है साबुदाना वड़ा जो मल्हार भाई खा रहे हैं, वाह। मल्हार भाई ने इतना पोहा खा लिया कि उसके बाद जगह नहीं बची अब किसी चीज़ की, अब बस चाय और जॉनी हॉट डॉग। हॉट डॉग खाया, पेट बहुत भरा हुआ, कल ट्राई कर लिया था हम लोगों ने वैसे, बाकी अवले बंद है अभी, तो साहिबा की चाय मल्हार भाई को ट्राई करनी थी। ठीक है, चलो भैया दो और दे दीजिए। मॉर्निंग के वाइब्स वाकई में बहुत बढ़िया, देखो आरती साथ में चाय और मौसम। बाकी अभी देख लो सुबह 11:15 पे आज के इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और अब अगली यात्रा होने वाली है भारतीय रेलवे के साथ। तो बाकी इंदौर में आपका सफ़र हमारे साथ इतना ही था, खाने पीने का सफ़र खैर ट्रेन जर्नी बाकी है, उसकी तैयारी करता हूँ मैं, मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी अगले वीडियो में। मल्हार भाई खाना पीना कैसा लगा इंदौर? बहुत बढ़िया। इंदौर वापस आना चाहोगे? बिल्कुल, हर टाइम आते इंदौर को कभी नहीं नहीं बोलते। खाना खाना होता था अहमदाबाद और इंदौर और दिल्ली, टॉप लॉट। हाँ दिल्ली का तो है ही, अलग बात लखनऊ भी है। ये जगह हमें बहुत पसंद आती है। और उदयपुर मिस नहीं करोगे क्या? उदयपुर सबसे ज्यादा मिस तो उदयपुर करूंगा, क्योंकि वहाँ पे 3-4 दिन जो हमने बिताया है, जो हमने एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। उदयपुर में क्या है, वाइब्स अच्छी है, खाना पीना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए अब अगला इंदौर आएंगे जब मानसून आएगा, क्योंकि मानसून में जो ये घाट है ना बहुत खूबसूरत हो जाता है। इंदौर में आप लोगों ने मेरे साथ ट्रैवल किया होगा, महूसा कलाकंद वगैरह। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।